कॉलिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई हम आए थे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और करतारपुर कॉरिडोर, जहाँ पे हमें जाना था, बट इसके पीछे कहानी है। क्योंकि भाई आपको 15 दिन पहले वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। मेरे को ये पता नहीं था कि 15 दिन पहले वीज़ा अप्लाई होता है, उसके बाद एक डेट फिक्स होती है, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो भाई जो भी आए वो भाई इंस्टेंट कुछ नहीं है। मैंने मतलब मुझे बताया गया था कि इंस्टेंटली हो जाएगा, आप जाओ, बट ऐसा इंस्टेंटली कुछ नहीं है। आपको 15 डेज पहले अपना वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद अप्रूवल आएगा, फिर आप आ सकते हैं। और यहाँ से आप इधर की तरफ आएंगे और वहाँ पर आपकी गाड़ी पार्क होगी, फिर यहाँ से आप जाएंगे इधर की तरफ, और यहाँ से फिर सीधे इधर नीचे की तरफ से आप सीधा पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं, वी आर स्टैंडिंग एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वो जो वाइट वाला पिलर दिख रहा है वो है अपना पाकिस्तान उधर, और इधर है इंडिया, ठीक है। तो फाइनली यार एक ऐसी जगह पर आया हूँ कि हाँ यार, लग रहा है कि मतलब वी आर सेफ, क्योंकि आर्मी पूरी मतलब इस तरीके से एक्टिवली यहाँ पे रहती है। तो भाई ऐसा लगता है कि हाँ, यू आर सेफ एट द बॉर्डर्स, ठीक है। तो दिस इज़ BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये 113 बटालियन यहाँ पे, और इधर आती है 24 बटालियन, ठीक है। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जैसा आप देख सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी, जय हिंद। और यहाँ पे देख सकते हैं गुरुद्वारा धर्म स्थल दर्शन स्थल LPAI, और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बोर्ड। गाइस ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बटालियन 24 BSF, और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बोट। तो गाइस जैसे कि आपको दिखाया मैंने अभी, मैंने नमाज पढ़ी बॉर्डर पे यार, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे मैंने नमाज पढ़ी, सजदा अदा किया। और मैंने आपको बताया था कि यार वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिल रही है पाकिस्तान साइड, क्योंकि इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें फॉलो करना है। बट मैंने अभी यहाँ पे BSF वालों से बात की कि और क्या तरीका है, मतलब और क्या यहाँ पे देख सकते हैं। तो इधर है भाई करतारपुर कॉरिडोर, तो यहाँ पे हम आ सकते हैं अपना आधार कार्ड लेके, जिससे कि परमिशन मिल जाएगी हमें 11 बजे 3:30 बजे तक इसके अंदर जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत बना हुआ है अंदर से। तो हम कल सुबह यहाँ पर आएँगे और इसकी वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि वीडियो शूट करने की भी हमने पूछ लिया है कि वीडियो शूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला आप कर सकते हो। तो हम कल सुबह यहाँ पे आएंगे, और अभी देखते हैं हम या तो गुरुद्वारे में रुकेंगे या फिर गाड़ी में रुकेंगे या फिर कैसे रुकेंगे, होटल करेंगे, देखते हैं। बट यहाँ पर होटल्स आस पास दो ही हैं, एक कॉरिडोर इन है और एक गुप्ता इन है, तो दोनों मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे नहीं। तो अब देखते हैं भाई क्या करते हैं, कहाँ रुकते हैं, तो गाड़ी में स्टे करेंगे या फिर गुरुद्वारे में। तो अब सीधे हम मिलते हैं आपको कल सुबह। कल जम्मू शाम तक पहले पठानकोट, आगे फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। तो गाइस अभी हम कॉरिडोर से निकले थे, तो मैं गाड़ी लेके आ रहा था, तो भाई बीच में मिल गया लवप्रीत भाई, गुरप्रीत भाई, इधर भी लवप्रीत बैठे हैं, उधर अनमोल बैठे हुए हैं। तो भाई हम खाना खाने के लिए देख रहे थे जगह की कहाँ पे अच्छी है, तो भाई ने बताया कि ये कॉरिडोर इन बढ़िया जगह है यहाँ पे बॉर्डर पे खाने की। तो मैं भाई के लोगों के साथ आया, साथ में खाना वाना खाएंगे। और जो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ब्लॉग के अंदर कि भाई पंजाब ऐसा नहीं है यार जिस तरीके से दिखाया जाता है। भाई मैं भी अचानक आया हूँ, अचानक मिला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तो भाई ऐसा नहीं है, आप आओ, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलना कि यार पंजाब कैसा है। तो आप आओ देखो, तभी आपको समझ में आएगा। तो अभी हम खाना वाना खाएंगे, प्लेटें लग चुकी है, कोल्ड ड्रिंक आ गई है, और उसके बाद हम कहाँ निकलेंगे, होटल। तो भाई हमें होटल छोड़ेंगे, उसके बाद बाहर चलेंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं करतारपुर कॉरिडोर, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। अभी हम जाएंगे अंदर की तरफ, और अभी यहाँ से हम एंटर हुए। तो करतारपुर कॉरिडोर में आने के लिए बस आपको एक आधार कार्ड की ज़रूरत है। अगर आपको जाना है गुरुद्वारा तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी भाई सबसे पहले एक पासपोर्ट, फिर वो अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, 15-20 दिन का वो प्रोसेस होता है, तो उस चीज़ के लिए टाइम लगता है। मेरे को इंस्टेंटली ये चीज़ पता चली थी तो मैं अप्लाई नहीं कर पाया, बट द थिंग इज़ दैट वी आर गोइंग टू कम अगेन ओनली फॉर द गुरुद्वारा, ठीक है। पहले हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम आएंगे। तो आप एक बार लुक अराउंड चेक कर लो कि कैसा है यहाँ पे।
फिर हम सीधे चलेंगे अंदर की तरफ। और भाई गाड़ी इधर हमने पार्क कर दी है, और गाड़ी को रोक लिया था हमारा भारी, तो वो बोले कि गाड़ी पे क्या लगा रखा है। तो जब उन्होंने आके देखा कि क्या चीज़ है, तो बोला कि अंदर गाड़ी ले जाओ। तो गाड़ी पहले अलाउ नहीं की, फिर अलाउ कर दी। और आपको जब ये आधार कार्ड दे दोगे तो आपको मिलेगा ये टोकन जो आपको गले में डालना है, तो इसे डाल लेते हैं हम सीधे गले में और सीधे चलते हैं अंदर की तरफ। तो गाइस ये है वो करतारपुर वाला गुरुद्वारा जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है, जैसे कि आप देख सकते हो सेंटर विच गुरुद्वारा है, और वो खालसे का सिंबल है, खालसे का सिंबल। और अभी अंदर से पूरा इसका टूर होगा, मतलब ये हम अंदर बैठे हैं कॉरिडोर में जहाँ से दिखाया जाता है ये सब चीज़ें, मतलब बिल्कुल सेंटर में आप उधर से आओ, चारों तरफ से, एक तरफ इंडिया बॉर्डर है, एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर है। और वो बॉर्डर क्रॉस करने का वो जो लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, वो जो बस खड़ी है वो लोगों को लेके जाती है यहाँ से गुरुद्वारे तक की। और ये आप देख रहे हो जो स्टार्टिंग में ये जो बनी हुई है ये इंडियन बॉर्डर है, और उधर की तरफ जो गेट खुला है वो पाकिस्तान बॉर्डर है। ये देखो जैसे वहां पे दिखाया ना, इसी तरीके से आपको वेलकम टू दरबार साहिब, तो यहाँ से इस तरीके से जाते हैं लेके। और ये इंडिया बॉर्डर से 5-4 किलोमीटर दूर है, तो ये लिखा हुआ है वेलकम टू पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह होगा, पाकिस्तान एम्बेसी वगैरह वाले लोग बैठे हुए हैं, डॉलर चलता है या फिर INR चलेगा। तो ये आपको एक दिन की वीज़ा मिलेगी सुबह को क्या नाम है 8 बजे से, और शाम को 5 बजे तक की वैलिडिटी होती है कि 5 बजे आपको वापस आना होता है। तो इस तरीके से आपको पास मिलेगा यहाँ पे जैसे कि अभी दिखाया गया। और ये सारा जो इमिग्रेशन काउंटर वगैरह है यहाँ पे सब ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे इमिग्रेशन के जिस तरीके से एयरपोर्ट पे होता है, सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब ऐसी होंगी। और जहाँ आप देख सकते हो इमिग्रेशन 1-15, और ये कस्टम ड्यूटी, और इधर कस्टम, इधर भी कस्टम है। तो आप देख सकते हो पाजी बता रहे हैं इधर सब कुछ। सब तो पहला बिल्कुल बैकसाइड जोड़ा कमरा है जोड़े घर का, ताकि अपने जोड़े जमा करवा लेना। जोड़े घर तो जो अगर नाल वाला कमरा वो है लाख रूम, अगर कोई अपना एक्सट्रा समान बैग वगैरह रखना चाहो तो लाख रूम रख सकते हो। पाकिस्तान के बंदे हैं सारे जो लाइव कैमरा रिकॉर्डिंग में चल रहे हैं, सारे पाकिस्तान के बंदे वीडियो बना रहे हैं। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੇ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਾਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਕਸਟਰਾ ਚੱਪਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੱਪਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾ ਕਰੋ ਲਾਟਰੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ,
फिर भी एक गल पूछनी हो पंजाब टूरिस्ट पुलिस थोड़ी सेवा वास्ते तो मौजूद है, ब्रीफिंग के बाद कोई भी गल जी पूछ सकते हो। आखिरी गल तो रात जो स्टे का टाइम है वो 4 बजे तक है, आखिरी बस जी है 4 बजे इतों निकली जिसे तुम निकले हो, तो अगर उस तो पहले थोड़े को कोई दिल्ली जाना चाहता है तो तुम पहला किसी भी टाइम जा सकते हो, थोड़ी हो जाए हैं। असं आस करा थोड़ा अज का दिन बड़ा यादगार कि अनुला बिगड़े जी पाकिस्तान आने का बहुत शुक्रिया। तो गाइज एक बार व्यू चेक कर लो यहाँ का, वहाँ कितना खूबसूरत बना हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलेगी आप लोगों को और बहुत शांति है। आओ और देखो, सब चीज़ें यहाँ पे बता दी जाती हैं। और यहाँ से हम करेंगे सीधा एग्ज़िट, ठीक है, तो एग्ज़िट करके आपको दिखाते हैं हम किधर जा रहे हैं। तो गाइज हम आ गए हैं गुरप्रीत के यहाँ पे, और भाई ये है लस्सी मखना लिया मखना। तो भाई अपने साथ सारे भाई लोग इधर बैठे हुए हैं और लस्सी असली वाली एंजॉय करते हुए फिर निकलेंगे हम पठानकोट। तो भाई ये टाइम आ गया है भाई को गिफ्ट देने का, ठीक है, तो स्पेशली भाई तीनों के लिए मिलेगा गिफ्ट। मैं रात बोल रहा था एक को दूंगा, बट मुझे देख के ना मैंने सोचा कि यार अब इतना वो नहीं करना भेदभाव, ठीक है ना, तो तीनों के निकालते हैं। तो साइज क्या था टी शर्ट का? एक्सल एम एम मैंने बता नहीं एक्सेल। तो भाई सबसे ऊपर रखी हुई है मेरे पास एक्सेल ही। तो भाई ये टी शर्ट है लवप्रीत के लिए, तो भाई स्पेशली कस्टमाइज है जो मेरे शहर की, और जो एक चीज़ देखोगे ना पाकिस्तान तो भूल ही जाओगे। तो भाई ये टी शर्ट एम साइज, तो गाइस ये है एम पी साइज है इसका, और ये लवप्रीत के लिए दूसरे सबके दूसरे लवप्रीत के लिए। तो ये वो बंदी रहने में ऐसे दे, ठीक है, और ये वाली गुरप्रीत के लिए, ठीक है। तो भाई इसे भाई, अरे कोई नहीं भाई, ये तो प्यार है मुझे अपने पापा के लिए खरीदनी है, तो मैं तुमसे पहले ही बोल के जा रहा हूँ जब अगली बार आऊंगा ना तो बुलेट लेके जाऊंगा पापा के लिए, पक्की बात है ना, जब तक मिल जाएगी ना मिल जाएगी, ध्यान चला के लेके जाएगा, पेट में ठंडक पड़ गई बहुत बढ़िया। तो मैं आया था गुरप्रीत के घर पे, तो भाई भाई का घर चला सा बड़े यार, तो पंजाब में तो घर होते ही बड़े हैं भाई, और ये रखा हुआ है चूल्हा, चूल्हे की रोटी अगली बार जब आएंगे तो घर जाड़ो में आएंगे मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो भाई लवप्रीत, ये दूसरा लवप्रीत और वो गुरप्रीत, तो भाई बैठे हुए बहुत प्यार दिया है भाई लोगों ने, बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे सब जगह घुमाया बताया हर एक चीज़ अंदर लेकर गए कॉरिडोर में, और बहुत ज़्यादा हेल्प किया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद यार। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर लस्सी, मज़ा आ गया भाई लस्सी में, सीरियसली मज़ा आ गया। तो भाई चले जाएगा दिसंबर में कनाडा, तो उससे पहले आना है, उससे पहले आना है, नवंबर में, नवंबर तो मैं रूट टूर खत्म होना है नवंबर तक, कोई नहीं मैं टिकट लेट करवा लूंगा। तो भाई जब अपना इंटरनेशनल टूर होगा ना तो कनाडा में साथ देगा लवप्रीत, क्योंकि पहले ही जा रहा है यार, ऊपर वाले ने बना के भेजा है ना, जो डॉट्स बना के भेजे हैं लिंक करने वाले, तो पहले ही बना के भेज देता है,
तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है भाई कि भाई हर एक चीज सिक्वेंस में रहती है। और भाई ये देख लो, ऐसा नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, पंजाब ऐसा नहीं है भाई, हर जगह हर तरीके के लोग हैं। तो भाई ब्लॉग करता हूँ यहीं पे, एंड आई होप ब्लॉग आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और प्यार दें। और जल्दी से मिलता हूँ आपको नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए।